राम। दोस्तों नमस्कार, मैं रामलाल आप सभी का अपने यात्रा प्लस चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों इस समय मैं हूं मुंबई के मुंबई सेंट्रल स्टेशन में और आज मैं आपको मुंबई सेंट्रल से ले चलता हूं इंदौर और ट्रेन है हमारी अवंतिका एक्सप्रेस 12961। तो चलिए चलते हैं प्लेटफार्म पे। तो दोस्तों हमारी ये जो ट्रेन है अवंतिका एक्सप्रेस हर दिन मुंबई सेंट्रल से रात के 8:55 पे छूटती है और इंदौर अगली सुबह 9:05 पे पहुंच जाती है। दोस्तों कुल 830 किलोमीटर की दूरी, 12 घंटे 10 मिनट का समय और 19 स्टॉप। तो दोस्तों इस ट्रेन की शुरुआत बुधवार 1 मई 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो अभी ये फ़िलहाल LHB रैक के साथ चलती है और यहाँ से स्लीपर का जो किराया है वो 455 रुपये है इंदौर का। तो आइए चलते हैं ट्रेन के अंदर। फ़िलहाल तो हमारी जो टिकट है वो RAC में है, S2 में 71 नंबर, कंफर्म नहीं हुई है। करते हैं सफ़र का आनंद और पहुँचते हैं इंदौर और आपको दिखाते हैं इसके बीच के नज़ारे। तो भाई चलते हैं अपने कोच में और हमारा कोच है S2। इस ट्रेन में कुल 8 डिब्बे स्लीपर कोच के लगते हैं, 6 डिब्बे स्लीपर 3 टायर के लगते हैं, AC 3 टायर के लगते हैं, बाकी 2 टायर A1 और जनरल क्लास के हैं। और दोस्तों पहुंच गए हम अपने कोच के पास और अपनी जो सीट है ना वो है 71। ये है अपनी सीट 71 RAC। अभी RAC पैसेंजर है ना, साथ में मैं भी हूँ। हाँ 71 ठीक है भाई, अपनी सीट है ये 71 और अंकल हैं साथ में, अंकल जी हैं साथ में। अंकल एक बार बाय बोलिए, हाय बोलिए। तो भाई हमारी जो ट्रेन है ना उसके चलने का समय हो गया है। तो दोस्तों इस सफ़र में आप सब देखें मुंबई से इंदौर के इस सफ़र में देखें रात की रानी मुंबई और इंदौर तक घने कोहरे की खूबसूरती। जी हाँ, रामलाल के साथ। तो भाई बात करते हैं इस ट्रेन के शौचालय के और आइए देखते हैं कि इस ट्रेन का जो शौचालय है वॉशरूम है वो कैसा है। फिलहाल तो भाई ठीक है और वॉश बेसिन में पानी तो फिलहाल आ रहा है और इस तरफ जो शौचालय है वो है इंडियन टाइप का। तो दोस्तों आपको बता दें कि ये ट्रेन दादर स्टेशन में नहीं रुकती है, मुंबई सेंट्रल से चलने के बाद में चैनल सीधे सब्सक्राइब जरूर करें और भाई लाइक भी जरूर करें, कमेंट भी ज़रूर करें और ये ज़रूर लिखें कि आपको मेरा यह चैनल कैसा लगा। देखें भाई ये वाह कमाल की खूबसूरती है भाई, मुंबई की तो अपनी खूबसूरती है रात। तो दोस्तों बात करें इस ट्रेन के रूट की तो ये ट्रेन मुंबई सेंट्रल से चलती है तो वापी, सूरत, रतलाम, नागदा और उज्जैन होते हुए इंदौर पहुँचती है। अंधेरी स्टेशन है ये और ये देखिए कमाल की खूबसूरती है भाई। हाईवे पे ये जो मॉल बना है ना, अरे वाह जबरदस्त है भाई, जबरदस्त सीन है।
तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई बोरीवली, जो इसका पहला स्टॉप है। और आपको बता दें कि ये ट्रेन अपने निर्धारित समय से 9:24 पर यहाँ पहुँचती है, 20 मिनट लेट आई है। बोरीवली लोक मुंबई का उपनगरीय रेलवे स्टेशन है दोस्तों, ये काफ़ी व्यस्तम रेलवे स्टेशन है। यहाँ पे कुल 10 प्लेटफार्म है और उपनगरीय जो गाड़ियाँ हैं यहाँ से भी संचालित होती हैं विरार के लिए और भी आगे स्टेशनों के लिए। यहाँ पे सिर्फ वंदे भारत को छोड़ करके बाकी सभी गाड़ियों का स्टॉप राजधानी समेत बोरीवली स्टेशन पर दिया गया है। तो दोस्तों यहाँ पे इस ट्रेन का 2 मिनट का स्टॉप है और आपको दिखाते हैं यहाँ से इस ट्रेन का डिपार्चर। तो भाई आपको बता देना, तो हमारी जो ट्रेन है ना यहाँ पे पूरी फुल हो चुकी है। तो दोस्तों हमारी जो ट्रेन है ना वो बोरीवली से चल चुकी है। ये इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड तो नहीं है ना? साइड पेंट्री है ना। तो भाई आपको दिखाते हैं, इस ट्रेन में पेंट्री कार्ड तो है नहीं, साइड पेंट्री है, और इसकी चाय कैसी है। फिलहाल तो ठीक है और कोई बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती, लेकिन ठीक है। ये जो है ना वो है माता जीवदानी का मंदिर। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई वापिस, जिसका कोड है VAPI। और इस ट्रेन के यहाँ पे पहुंचने का जो समय है वो है 10:50 पे। फिलहाल तो ट्रेन 11:20 पे पहुंची है और लगभग 30 मिनट लेट है। भाई ये जो वापी है ना वो केमिकल सिटी के रूप में जाना जाता है, और यहाँ से बना हुआ जो केमिकल है पूरे देश में सप्लाई होता है और इंडस्ट्री यहाँ की काफ़ी तेज़ी के साथ में ग्रो करी है, बहुत तेज़ी के साथ विकास हुआ है वापी का। तो भाई हमारी ट्रेन का सिग्नल हो चुका है। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई सूरत, जिसका कोड है ST। और यहाँ पे इस ट्रेन के पहुँचने का जो समय है वो है 12:12 पे, लगभग 30 मिनट लेट है ट्रेन हमारी, 5 मिनट का स्टॉप है यहाँ पे। सूरत जो है दोस्तों वो कपड़ा उद्योग के लिए मशहूर है। यहाँ का बना हुआ कपड़ा पूरे देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जाता है। तो दोस्तों जो इंडस्ट्री है सूरत में काफ़ी बढ़ी हुई है, प्रोग्रेस है, और कपड़ा उद्योग के लिए तो प्रसिद्ध है ही। तो दोस्तों
इस ट्रेन की जो मैक्सिमम परमिसिबल स्टॉप है, स्पीड है ना, पूरे मुंबई से लेकर के गोधरा तक इसकी मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड 130 किलोमीटर पर आवर की दी गई है। तो भाई यहाँ से हमारे जो मित्र हैं ना राजेश जी, वो भी मिले हुए हैं, साथ में ही हम लोग चल रहे हैं, उज्जैन तक साथ में रहेंगे। मेरी यात्रा तो इंदौर तक है, उसके बाद में हम जाएंगे बागेश्वर धाम छतरपुर खजुराहो तक की हमारी यात्रा होगी। दूसरी ट्रेन का ब्लॉग में आपको दिखाएंगे वहाँ के विषय में। तो भाई हमारी ट्रेन का जो सिग्नल है ना हो गया है, हमारे दोस्त आए। तो भाई सूरत से हमारी ट्रेन चल चुकी है, अब मिलता हूँ मैं अगले दिन सुबह, जहाँ कहीं भी नींद खुलेगी, रतलाम, मेघनगर या फिर नागदा। तब तक के लिए अपने भाई को इजाज़त दीजिए, शुभ रात्रि। श्री वैष्णो देवी कटरा मुंबई से बांद्रा टर्मिनस जम्मू तवी एक्सप्रेस सामने से जा रही है। भाई कोहरा पूरा छाया हुआ है। बाहर कोहरा बहुत ज़बरदस्त है। नमस्कार दोस्तों, हमारी जो ट्रेन है ना पहुंच गई नागदा जंक्शन, जिसका कोड है NAT। और बाहर ठंड बहुत ज़बरदस्त है भाई, धुंध बहुत तेज़ है, हवा बहुत ठंडी चल रही है। ये जान लीजिए कि हमारी जो ट्रेन है ना फिलहाल तो ज़्यादा लेट नहीं है, 10 मिनट लेट है। तो दोस्तों आपको बता दें कि नागदा जंक्शन जो है वो मुंबई दिल्ली मेन लाइन पर आता है, और यहाँ से एक ट्रेन चले जाता है इंदौर की ओर, इसीलिए इसे जंक्शन भी कहते हैं। तो भाई इस ट्रेन का यहाँ जो स्टॉप है ना वो 2 मिनट का है, और हमारी जो ट्रेन का सिग्नल है ना वो हो चुका है। तो चलिए चलते हैं। तो भाई देखिए यहाँ पे लिखा है, यहाँ गाड़ी बदलिए उज्जैन, इंदौर, देवास, भोपाल और मध्य रेलवे स्टेशनों के लिए भोपाल होकर। तो भाई आपको बता दें कि नागदा में कुल 5 प्लेटफार्म हैं। देखिए किस कोई ट्रेन आ रही है बहुत ज़बरदस्त। फिलहाल तो मज़ा आ गया, कहाँ गए यार, थोड़ा इधर।
ज़बरदस्त है। और देखिए ना कोहरा इस तरफ तो थोड़ा छटा हुआ लग रहा है, लेकिन ठंडी तो भाई ज़बरदस्त है, मज़ा आ रहा है। और धुंध तो ये है फिलहाल इस समय पूरे मध्य भारत और उत्तर प्रदेश में तो कोहरा काफ़ी दिन से छाया हुआ है, सूर्य ही नहीं दिखाई पड़ रहे हैं और एकदम मज़ा आ रहा है एकदम। तो भाई अगला जो स्टॉप है ना हमारा वो उज्जैन आने ही वाला है। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई उज्जैन, जिसका कोड है UJN। और दोस्तों हमारी ये ट्रेन है ना यहाँ पे लगभग 30 मिनट लेट पहुँची है, 7:30 पहुँचने का समय है, 7:35 में चलती है, 5 मिनट का स्टॉपिंग है, 8 बजे पहुँची है। दोस्तों उज्जैन से एक ट्रेन चला जाता है भोपाल की ओर और दूसरा चला जाता है देवास इंदौर की ओर। और ठंड काफ़ी तेज़ है, फिर भी कोहरा थोड़ा काफ़ी कुछ छटा हुआ है। और यहाँ तो भाई ट्रेन काफ़ी खाली हो जाती है, क्योंकि महाकाल की नगरी है, ये भगवान शिव महाकाल की नगरी है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादातर तो खाली हो जाती है। और भाई ये मेरे राजेश दोस्त हैं, एक बार हाय बोलिए। और हम सब चल रहे हैं बागेश्वर धाम, फिलहाल ये उज्जैन से हम दूसरी ट्रेन पकड़ेंगे बागेश्वर धाम के लिए, छतरपुर खजुराहो के लिए। और मेरी यात्रा तो भाई होगी इंदौर तक, फिर वहाँ से DDM प्रयागराज ट्रेन पकड़ करके आएंगे, फिर मुलाकात होगी इनसे। तो भाई हमारी ट्रेन का जो सिग्नल है ना वो हो गया है, 8:10 पे ट्रेन चल रही है, फिलहाल तो 35 मिनट लेट है। यहाँ से हमें ट्रेन मिलती है नागदा भोपाल इंदौर, और एक जगह और ट्रेन जाती है, कौन सी ट्रेन जा रही है, वाराणसी गांधीनगर। तो वाराणसी गांधीनगर ट्रेन, गांधीनगर कैपिटल। सूर्य भगवान का दर्शन हो गया है, तो भाई पीते हैं इनकी चाय। अब आइए ना, आ रहे हैं, रिटर्न में पैसा देता हूँ, इधर से आ रहा है, मैं यहीं पे, हाँ इसी में आ जाए, इसी में S4 में। कौन सा है, कोच नंबर? S4 है। तो भाई चाय देखते हैं कि इसकी चाय कैसी है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, जैसे था वैसे ही है।
जो शाम वाली चाय थी, मैं कहूँगा कि शाम वाली चाय से तो अच्छी नहीं है भाई। वैसे भाई आगे जो है ना ट्रेन की विजिबिलिटी काफ़ी कम है, कोहरा है तो विजिबिलिटी काफ़ी कम है, दूर तक दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसलिए हमारी जो ट्रेन की स्पीड है ना काफ़ी स्लो है। तो भाई हमारी ट्रेन पहुंच गई देवास, जिसका कोड है DWX। जिस ट्रेन के दोस्तों यहां पहुंचने का समय है 8:10 और 2 मिनट रुकती है 8:12 पर चल देती है। दोस्तों फिलहाल तो हमारी ट्रेन जो है पहुंची है ना 9 बजे, यानी सीधे 50 मिनट लेट है। कोहरा ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा चल रही है, ठंड ज़्यादा पड़ गई है। तो भाई देखिए दिखाते हैं आपको जहाँ से इसका डिपार्चर। तो दोस्तों हमारी ट्रेन पहुंच गई है इंदौर, जिसका कोड है INDB। दोस्तों यहां पे कुल 6 प्लेटफार्म है, अपने निर्धारित समय से हमारी ट्रेन लगभग 50 मिनट लेट आई है। तो दोस्तों यहां इंदौर से ये एक जंक्शन है, यहां से आपको अकोला रतलाम के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी और उज्जैन के लिए भी ट्रेन मिल जाएगी, इंदौर दाहौद। तो दोस्तों यात्रा तो काफ़ी अच्छी रही, ठंड बहुत ज़्यादा है, धूप हल्की सी निकल गई है, तो कुल मिला जुआ करके ठीक है। ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है, बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं रहती है। उज्जैन आने वालों के लिए, मुंबई टू उज्जैन जो लोग आते हैं महाकाल का दर्शन करने के, उनके लिए काफ़ी बेस्ट ट्रेन है, सुबह सुबह पहुंच जाती है। और ऐसे भी यहाँ पे 9 बजे इसके पहुंचने का समय है, तो ये ट्रेन काफ़ी अच्छी है। पेंट्री कार तो है नहीं, उसे उसकी ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, साइड पेंट्री कार है। तो दोस्तों मिलते हैं आपसे अपने अगले किसी ब्लॉग में, तब तक आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना ख्याल रखें और अपने दोस्त रामलाल को इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।